गाइस, आज हम करेंगे एंटोक्सनी 101 का नेक्स्ट टॉपिक कैबेज बटरफ्लाई या बंद गोभी की तितली। तो जो कैबेज बटरफ्लाई है या बंद गोभी की तितली है, ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं और फैमिली इसकी है पायरिडी। और अगर जीनस और स्पीशीज की बात करें या इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है पायरिस ब्रैसिकी, तो ये इसका जीनस और स्पीशीज रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नाम से यह बंद गोभी की तितली है, कैबेज बटरफ्लाई है, जो फर्स्ट इसका कैबेज रहेगा ही। तो उसके साथ साथ फूल गोभी, शलगम, मूली, सरसों, गांठ गोभी और क्रूसीफेरे कुल के अदर जो प्लांट्स हैं वो इसके होस्ट प्लांट रहते हैं। जब देखते हैं कि जो इसका वितरण है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, इंडिया में जहाँ भी क्रूसीफेरे कुल की सब्जियाँ उगाई जाती हैं या क्रूसीफेरे कुल की सब्जियों की खेती होती है, वहाँ पर कैबेज बटरफ्लाई पाई जाती है। नेचर ऑफ डैमेज किस प्रकार रहता है इसका, इसकी जो हानिकारक अवस्था है या इसकी जो डैमेज करने वाली अवस्था है वो सुंडी अवस्था है या जिसे लार्वा कहते हैं। जब स्टार्टिंग स्टेज होती है प्लांट्स की, तो ये सुंडी क्या करती है, पत्तियों की सतह को खुरच कर खाती रहती है, जिससे क्या हो जाता है कि वो पत्तियां सूख जाती हैं। और बाद में जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो ये क्या करती है, उसके बाहरी किनारों को काटती है और अंदर की ओर बढ़ती रहती है। और ये पत्तियों को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की, जो इसकी लाइफ साइकिल है उसमें कितनी स्टेजेस रहती हैं। इसके लाइफ में पूरे साइकिल में चार स्टेजेस पाई जाती हैं, चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट या फ्रूट। तो एग की बात करते हैं, एग में देखते हैं कि एग क्या होते हैं। जब कॉपुलेशन की क्रिया हो जाती है उसके बाद, जो कॉपुलेशन की क्रिया है वो लगभग दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच होती है। उस क्रिया के बाद जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है। जो एग है उसका जो रंग है वो पीले रंग का होता है और ये आकार में फ्लास्क के जैसे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एग की बात हम कर रहे हैं। और 1 मिलीमीटर लंबा तथा 0.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। और जो एग है वो 50-90 के ग्रुप्स में दिए जाते हैं। और जो फीमेल इंसेक्ट है वो अपनी लाइफ में 164 एग्स देती है। और जो एग है वो मार्च से मई तक 3 से 7 दिनों तक और फरवरी में 11 से 17 दिनों में हैच होते हैं या फूटते हैं। अब ये अगेन इस इंसेक्ट में क्या रहता है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ इसकी जो एग हैचिंग का टाइमिंग है वो चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, मार्च से मई तक 3-7 डेज में और नवंबर से फरवरी में जब सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर कम है, तो इसका हैचिंग टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वा की या इसकी जो सुंडी अवस्था है जो कि प्लांट को डैमेज करती है। तो एग से निकलने के बाद जो लार्वा होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसका जो हेड है वो ब्लैक होता है। इस डायग्राम में आप लार्वा देख रहे हैं कैसे खतरनाक सा दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो सुंडी है ये रिंग रिंग करी पूरी पत्तियों को खा जाती है। जो लार्वा होता है वो जब स्टार्टिंग होता है तो वो ग्रुप में रहता है और बाद में धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो अलग अलग फैल कर पत्तियों को खाता है। पूरा विकसित लार्वा का जो रंग होता है वो हरा पीला हो जाता है। पहले क्या होता है, हरे रंग का होता है, बाद में हरा पीला हो जाता है। और
जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है वो 40 to 50 मिलीमीटर लंबा होता है और मार्च से अप्रैल के महीने में 4 बार त्वचा निर्वोचन करता है और 15 से 22 दिनों में पूर्ण विकसित लार्वा बन जाता है। मीन्स 15 से 22 दिन तक 4 बार निर्वोचन क्रिया होती है और 4 बार निर्वोचन क्रिया के बाद ये पूर्ण विकसित लार्वा बन जाता है जो साइज में 40 to 50 mm लंबा होता है और नवंबर से जनवरी में इसका जो टाइमिंग है वो 30 to 40 डेज रहता है इसका जो विकसित होने का टाइम है। अगेन इसमें क्या है जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसके लार्वा के विकसित होने के टाइम में भी चेंज हो जाता है। अगर मौसम थोड़ा गर्मी वाला है तो कम दिन लगते हैं और यदि सर्दी का है नवंबर से जनवरी का मौसम है या जो सीजन होता है विंटर सीजन में 30 to 40 डेज में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्यूपा की। जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है वो क्या करता है पत्ती या पौधों में कुछ उपयुक्त स्थान पर कोश में बदलता है। तो पत्ते पर या जो उसको उपयुक्त स्थान लगता है वहां पर जाकर ये प्यूपा में बदल जाता है और ये प्यूपा जो कोशा होता है या जो ये कोकून होता है उसके बीच में कोया के बीच में या कोकून के बीच में रेशम के धागों के ठीक दिशा में रहता है। उसकी जिस हिसाब से कोकून बना होता है उसी दिशा में ये रहता है और कोशावस्था जो मार्च अप्रैल में 8 to 15 डेज 8 to 15 डेज जबकि नवंबर से फरवरी तक 20 to 28 डेज होती है। अगेन यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसका जो प्रिपरेशन टाइमिंग है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोड की या एडल्ट की। तो ये जो प्रोड या एडल्ट होता है मीन जो बटरफ्लाई होती है वो पीले सफेद रंग की और पृष्ठीय भाग में धुएं की तरह दिखाई देती है या डॉर्सल जो इसकी सरफेस होती है वो धुएं के जैसे दिखाई देती है और अगले पंख की जो कॉर्नर है जो नोक है उस पर ब्लैक कलर का स्पॉट पाया जाता है और पिछले पंख पर एक गोल रंग का काला चिन्ह पाया जाता है। जो मेल होती है वो बड़े होती है और फीमेल सॉरी जो मेल है वो छोटा होता है जो फीमेल है वो बड़ी होती है। मीन्स नर का आकार छोटा और मादा का आकार बड़ा होता है। लगभग अभी किसी में हमने इस प्रकार की जो चेंजेस देखे हैं इस प्रकार की जो मॉर्फोलॉजी में करेक्टर देखे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल ही आकार में बड़ी होती है और जो मेल है वो आकार में छोटा रहता है। और ये जो कोड है वो लगभग कोकून से सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक निकलते हैं। मीन्स जब कोकून से बाहर निकलते हैं ये एडल्ट तो टाइमिंग 8 बजे से दोपहर तक का टाइमिंग में निकलते हैं और ये जो बटरफ्लाई है इसका साइज 6.5 mm तक विस्तार होता है और ये बटरफ्लाई 2 से 12 दिन तक जीवित रहती है। मीन्स इसका जो लाइफ है वो 2 से 12 दिन तक का ही रहते हैं। अब जो क्रूसीफेरी कुल की जो सब्जियां हैं या अक्टूबर के प्रारंभ में ये फ्रूट दिखाई देते हैं या बटरफ्लाई दिखाई देते हैं और अप्रैल तक सक्रिय रहते हैं। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ये अक्टूबर में दिखाई देते हैं एडल्ट और अप्रैल तक ये एक्टिव रहते हैं। ये जो इंसेक्ट है ये ठंड को अधिक पसंद करता है और मई में इतनी गर्मी हो जाती है जब तो ये क्या करता है पहाड़ों में चला जाता है। मैं इस पहाड़ों में क्या होता है हमारे प्लेन एरिया के कंपैरेटिवली वहाँ गर्मी कम रहती है टेम्परेचर हमेशा ही कम रहता है तो जब इधर गर्मी होती है प्लेन एरिया में तो ये पहाड़ों की तरफ मूव कर जाते हैं माइग्रेशन कर जाते हैं और अक्टूबर से अप्रैल के बीच ये 4 पीढ़ियाँ बनाते हैं। एक साल में 4 जनरेशन बनती हैं। टोटल लाइफ साइकिल होता है इनका कितना 27 से लेके 87 डेज इनकी पूरी लाइफ साइकिल रहता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज के बाद 3 से 17 दिन के बाद क्या बनता है लार्वा जो कि इसकी सबसे खतरनाक स्टेज होती है हानिकारक स्टेज है जो ये प्लांट को डैमेज करती है जिसे सुंडी अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है 15 से 40 दिन में ये किस में बदलता है प्यूपा में। मीन्स अपने बाहर एक कोट बना लेता है एक कोया बना लेता है और फिर उसके अंदर कुछ टाइम तक
ऐसे ही प्रोटेक्टिव में ही रहता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उस कोकून के अंदर फूड बन जाते हैं तो वो फूड क्या करते हैं, 3 8 से 28 दिन के अंदर ये प्रोसेस चलता है जिसमें निर्मोचन क्रिया पाई जाती है। और निर्मोचन क्रिया और पूरी जो प्रोसेस होने के बाद एडल्ट बन जाते हैं और वो एडल्ट उस कोकून से बाहर आ जाते हैं। और फिर एक से पॉपुलेशन क्रिया होती है, पॉपुलेशन क्रिया की 1 2 दिन में हो जाती है और उसके बाद मादा है जो फीमेल है जो एग्लिंग करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंट्रोल कि कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, इस इंसेक्ट के आक्रमण से हम किस प्रकार अपनी फसल को बचा सकते हैं या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए जिससे इसका अटैक कम हो। एक तो प्रारंभिक अवस्था में अंडों और सुंडियों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। सेकेंड क्या होता है कि ये जो मालाथियन है, कार्बारिलिया, डाइक्लोरवास है, इनकी ये दी गई निश्चित मात्रा को पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। और इनके प्राकृतिक शत्रु जो इनके नेचुरल एनिमीज है जैसे जो इस सुंडी पर जीव होते हैं उनका प्रयोग करके इनकी संख्या को नियंत्रण में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गोभी का सेमी सोलर सेमी लूपर सॉरी पत्ता गोभी का सेमी लूपर। ये पहले हमने कैबेज का एक पेस्ट पढ़ा था, अब ये कैबेज का ही दूसरा पेस्ट है जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से है और लेप्टोप्टेरा से है और फैमिली नॉक्टिली है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ट्राइकोप्लूसिया नाई है। बात करते हैं होस्ट प्लांट की, तो होस्ट प्लांट क्या है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, कुसुम आदि जो प्लांट्स हैं वो इसके होस्ट प्लांट्स रहते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह है कि सभी जगह पर पाया जाता है। और अगर वर्ल्ड वाइड में बात करें तो यह अमेरिका में भी पत्ता गोभी या कैबेज का प्रमुख पेस्ट माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका डैमेज किस प्रकार होता है, इसमें क्या होता है, इसकी जो लार्वा अवस्था है या सुंडी अवस्था है वो ही हानिकारक होती है। इसका लार्वा क्या होता है, अर्ध लूप में चलता है, मीन्स कुबड़ निकाल कर चलता है। एक तो लार्वा यूँ चलता है ना इससे रैंक, और ये जो लार्वा है इस तरह से कुबड़ निकाल कर चलता है। मीन्स आपने देखा होगा जो कई प्रकार के लट देखते हैं, तो ऐसा है जो सीधा रेंग रेंग कर चलती है, और एक ऐसा होता है जो ऐसे बॉडी को यहाँ इकट्ठा करता है फिर इसको आगे ले जाता है और फिर पीछे वाले बॉडी को यहाँ ऐसे ऊंचा उठा के चलता है। तो वो इस तरह से चलता है जिसको अर्धलूप या कुबड़ निकाल कर चलने का अवस्था कहते हैं, और इसे अर्ध कुंडलक नाम भी इसी कारण कहा जाता है, इसे अर्ध कुंडलक भी कहते हैं। और नर्सरी या खेत में ये लार्वा प्लांट्स की पत्तियों को खा जाता है और जिससे जो प्लांट्स है वो डैमेज हो जाते हैं, और पत्तियों में गोल गोल छेद करके उसकी जो मध्य शिरा है रह जाती है और उसके आसपास का सारा हरित पदार्थ खा जाता है। और जिससे क्या होता है, इसका प्रकोप इतना बढ़ जाता है या ये जो प्लांट्स है इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं कि दोबारा ही फसल को बोना पड़ जाता है। इसका प्रकोप जो है वो सितंबर से लेकर अप्रैल तक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की या इसके जीवन इतिहास की, कि इसकी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, एक लार्वा, प्यूपा और प्रोट या एडल्ट। बात करते हैं हम सबसे पहले एग की, जो एग है वो सफेद रंग के एग है जो हरे रंग के गोलाकार होते हैं और नक्काशीदार एग्स होते हैं, और ये फीमेल इंसेक्ट द्वारा पत्ती पर एक एक करके दिए जाते हैं, मीन्स एक एक ग्रुप्स में नहीं दिए जाते। और एग जब ये हैचिंग का टाइम होता है, इसके फूटने का टाइम होता है, तो ये गहरे रंग के हो जाते हैं। और जो एग हैचिंग का टाइमिंग है वो 5 से 7 दिन का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वा की या सोंडे अवस्था की, जो नुकीली और पतली तथा पीछे की तरफ चौड़ी होती है, और इसकी जो प्रस्त सतह होती है वो हल्की लहरदार और उसके ऊपर सफेद लकीरें पाई जाती हैं, जबकि जो वेंट्रल साइड होती है, पार्श्व तल होते हैं इसके, वो चौड़ी पत्ती जैसे दिखाई देते हैं।
ये हरे रंग का लार्वा लगभग 30 mm लंबा होता है और इसकी जो लार्वा स्टेज है वो 20 से 25 दिन की रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपा की, तो जो इसका प्यूपा है वो पूर्ण विकसित जो सुंडी होती है वो अपने चारों तरफ महीन पारदर्शक कोकून में महीन पारदर्शक कोकून बना लेती है और कहाँ बनाती है, पत्ती की निचली सतह पर प्यूपा अवस्था में बदल जाती है। और यह अवस्था जो प्यूपा अवस्था होती है वो 7 से 10 दिनों की रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसका एडल्ट है वो एडल्ट कैसा रहता है। जो एडल्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है और उसके शरीर पर हल्कदार लहरदार चिन्ह पाए जाते हैं और अगले पंख पर इंग्लिश के आर अक्षर जैसा चिन्ह होता है। तो इसका अगला पंख है उस पर आर अक्षर जैसा चिन्ह पाया जाता है और इसके जो ब्रोड है वो धूलि बेला में बहुत सक्रिय रहते हैं और बसंत ऋतु में ये सैकड़ों की संख्या में बगीचों के पास फूलों पर देखे जा सकते हैं। और इसका जो पंख विस्तार है वो 42 mm रहता है। लाइफ साइकिल है जो इसका 34 to 45 days में पूरा होता है और अगर जो फसल है उसकी जल्दी रोप दी जाए या जल्दी पैदा करने के लिए लगा दी जाए तो इसका प्रकोप कम हो जाता है। जब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट या जो इसका कंट्रोल है वो कैसे कर सकते हैं, जो इंसेक्ट की सुंडियां हैं उसको इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं और लाइट ट्रैप लगाकर एडल्ट को अट्रैक्ट कर उनको नष्ट करना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से इनके प्रकोप को रोकना है तो कुछ दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे क्यूनलफास, डाइक्लोवास, मालाथियान, इनका जो एक निश्चित मात्रा को पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करते हैं। और जो इसके नेचुरल एनिमीज है या जो सुंडियों पर परजीवी है, नेचुरल एनिमी जो सुंडियों पर परजीवी होते हैं उनका भी प्रयोग करके हम इनकी संख्या को कंट्रोल में रख सकते हैं।